कोई और काम ढूंढ लो, जरूरी यही करना है। इस बात की पुलिस है, मैं लोगों को सड़कों पर धक्के नहीं खाने दूंगा, आपको काम करना पड़ेगा। कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बुधवार की दोपहर शाहबाद थाने में छापामार अंदाज में पहुंचे तो माहौल गर्मा गया। मंत्री जी ने अफसरों की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने थाने की फाइलों को खंगाला तो पता चला कि थाने में आई कई शिकायतें काफी वक्त से जांच के लिए लंबित पड़ी हैं। 6 महीने से लेकर 3 साल तक पुराने कई केसों की जांच अब तक अधूरी पड़ी है। कई केसों में नियम के अनुसार कार्रवाई भी नहीं हुई है। वजह पूछने पर अफसर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो मंत्री जी आग बबूला हो गए और उन्हें जमकर फटकार लगा दी। 6-6 महीने से कार्रवाई पेंडिंग, आपके बुलाने से कोई बंदा नहीं आता थाने में। भाई सारे तुम्हारे कह रहे कि जी हमने भेजा था, वो आया नहीं जी। किस बात की पुलिस है? अगर तुम्हारे बुलाने से मुजरिम नहीं आता यहाँ पर, आप मुजरिम को पकड़ नहीं सकते हो, किस बात का हुआ है? करो प्रेम सिंह को सस्पेंड, आपने काम लेना ना इनसे। मैं लोगों को सड़कों पर धक्के नहीं खाने दूंगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ले लो भाई सारा केस बना के भेज दीजिए। मंत्री की छापामार कार्रवाई की गाज थाने के 3 अफसरों पर गिरी है। अनिल विज ने मौके पर ही शाहबाद थाने के SHO प्रेम सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा लगभग 6 से ज्यादा केसों में इंक्वायरी लंबित होने के चलते उन्होंने SI रमेश कुमार को भी निलंबित कर दिया। इसके अलावा 1 साल से दर्ज एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उन्होंने ASI सुदेश कुमार को भी सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबे समय से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं, और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग। 6 महीने से जो पुराने केस हैं उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए SHO को, क्योंकि SHO पूरी तरह से जिम्मेवार होता है, SHO को और दो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। गृह मंत्री ने मौके पर मौजूद कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला को थाने में लंबित मामलों की 15 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान थाने में कई फरियादी भी जमा हो गए। मंत्री ने सभी के मामलों को सुनने का निर्देश दिया। जाते जाते वो ये भी चेता गए कि आगे भी ऐसी छापामार कार्रवाई जारी रहेगी और हरियाणा के लोगों को इंसाफ के लिए वो धक्के नहीं खाने देंगे, पुलिस को काम करना पड़ेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।